बड़ी खबर हाथरस से, जो पानी की बूंद बूंद को तरसे लोग सड़क पर उतरने को हुए मजबूर। 15 दिनों से नहीं आ रहा टंकियों से पानी। पानी की समस्या को लेकर महिलाएं उतरी सड़कों पर। पानी की समस्या को लेकर गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। मामला माया टॉकीज के निकट डासरा कॉलोनी का है। भयंकर गर्मी होने के बावजूद नहीं आ रहा टंकियों में पानी। बोलो समस्या क्या है? समझ जा टंकी लग जा में कितने दिनों से खराब है? 20 दिन से खराब है। अधिकारियों के पास गए तो क्या कह दिया अधिकारियों? पैसे किसने मांगे हैं तुमसे? ये कह रहे 5000 रुपए लगे। किसने मांगे थे पैसे? कौन कहता है? जो जाओ अधिकारी लोग कहते हैं। अधिकारी कहता है? अधिकारी को पहचान लोगी तुम? इधर ही क्या मैं जाम है? जिसने तुमसे पैसों की कहा उसको पहचान लोगी? हाँ और क्या चलने गई है पैसों की पहचान की थी कहीं? हाँ तो जो पहचाने नहीं की थी टूवल वाले ने। टूवल वाला एक जो समस्या क्या है? समस्या पानी नहीं आ रहा है। हो गए हमारे यहाँ पर पानी की टंकी लगा रही है परेशानी में। और जो नल चालू हो रहा पानी नहीं मिल रहा है हमें। हमारे बच्चे बीमार तक पड़ गए। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? 8-10 दिन हो गए। 15 दिन हमने किसी से कहा? किसी से कहा? क्या कहते हम? क्या कह दिया उन्होंने? क्या कि हाँ लग जाएगा पानी, समझ जाएगी ना कुछ बोल रहा।